हेलो गाइस, नर्सिंग ओपिट में आप सबका स्वागत है। हम आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है वेंटिलेटर सेटिंग्स, वेंटिलेटर को ट्यूबिंग्स जो है उससे कनेक्ट कैसे करना है और पेशेंट जो है हमको रिसीव करना है तो उस पेशेंट के लिए वेंटिलेटर को हम कैसे रेडी रख सकते हैं। हम आज पूरा वीडियो में आपको ट्यूटोरियल देंगे कि वेंटिलेटर को जो पावर सोर्स है उससे कैसे कनेक्ट करना है, ऑक्सीजन सोर्स से कैसे कनेक्ट करना है और कौन से सोर्सेज होते हैं जिससे उसको कनेक्ट करना होता है। फिर ह्यूमिडिफायर जो होता है उसमें हीट सेंसिंग जो केबल्स रहती है उसको कैसे कनेक्ट करना है और जो वेंटिलेटर है उसको कैलिब्रेट कैसे करना है और जो O2 सेल है उसके लिए कैसे कैलिब्रेट करना है, फ्लो सेंसर के लिए कैसे कैलिब्रेट करना है और जो पेशेंट एंड जो है टाइटन करके उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम एक वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। पहले हम उसके सारे इक्विपमेंट्स जो ट्यूबिंग्स वगैरह जो है वो क्या क्या लगते हैं वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। इसके बाद हम एक वीडियो जो बनाएंगे और उसके माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे जो है वो अटैच करनी है और उसको कैलिब्रेट कैसे करना है और पेशेंट के लिए जो है वो रेडी कैसे रखना है। सो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। हम एक वीडियो जो एजुकेशन के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो मतलब एक तरह से ये पूरा वीडियो जो है वो ट्यूबिंग्स कैसे कनेक्ट करनी है, वेंटी को कैलिब्रेट कैसे करना है और नियोनेट जो बेबी रहता है उसके लिए वेंटी सेटिंग्स जो है वो कैसे हैं, वेंटिलेटर्स के बटन्स और वेंटिलेटर के जो टूल्स रहेंगे उसको कैसे सेट करके रखना है और दूसरे कौन कौन सी चीज़ें रहती है जैसे हीट सेंसिंग केबल लगानी है, जैसे कि नेबुलाइजेशन का पोर्ट कहाँ रहेगा और उसमें HME फिल्टर कहाँ लगाना है और एक जो वो फ्लो सेंसर है उसको कनेक्ट कैसे करना है और कैलिब्रेट कैसे करना है, सारी चीज़ें हम अच्छे से देखेंगे। हम इक्विपमेंट देखेंगे फर्स्टली, इसके बाद में हम देखेंगे कि वीडियो से कि कैसे एक एक चीज़ जो है वो कनेक्ट की जाती है और इसके बाद में वेंटिलेटर स्टार्ट किया कैसे जाता है और लास्टली उसको कैलिब्रेट कैसे करना है, वो फिर जो है वो बेबी के लिए हमको रेडी कैसे करना है सेटिंग्स, तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो वीडियो के माध्यम से देखेंगे। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का ट्राई करिएगा। सो गाइस, हम देखेंगे इक्विपमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। एक वेंटी ट्यूबिंग लगेगा, फ्लो सेंसर लगेगा, हीट सेंसर कॉर्ड लगेगी, हीट सेंसर केबल लगेगी और टेस्ट लंग लगेगा, स्टराइल वाटर लगेगा, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये जो फर्स्ट चीज़ है वो है फ्लो सेंसर, उसके साथ ट्यूबिंग कनेक्टेड है, फिर टोटल वेंटी ट्यूबिंग है, ह्यूमिडिफायर चैम्बर है और जो लास्ट में दिख रहा है वो HME फिल्टर है। सो गाइस, ये है हैमिल्टन C3 वेंटिलेटर जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। हम पहले सबसे पहले पावर सोर्स से कनेक्ट कर देंगे और ये स्क्रीन है जो, और ये स्क्रीन के साथ बटन है और ये इनलेट और आउटलेट है जो आप देख रहे हो। ये मॉनिटर है, ये सारे इनलेट और आउटलेट हैं और ये ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है, ये डिजिटल टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए लगा हुआ है ह्यूमिडिफायर के साथ में, तो हमको इसको जो है वो खोल के निकाल सकते हैं और रीचेक कर सकते हैं। ये इसको प्रेस करके ऐसे करके निकाल सकते हैं और इसको वापस रिकनेक्ट करना है तो वापस भी रिकनेक्ट हो जाएगा। इधर ये दो बटन दिए हुए हैं, एक वॉल्यूम के लिए दिया हुआ है और एक ऑन ऑफ के लिए दिया हुआ है, तो ये सारे जो है इसका एक पावर कोड मैंने पहले आपको बता दिया था। नेक्स्ट लेट्स वी स्टार्ट हाउ टू कनेक्ट द ट्यूबिंग्स। तो सबसे पहले ये बैक्टीरियल फिल्टर है जो एक ट्यूबिंग से लगा हुआ है, तो इसको हम इनलेट में लगाए इंस्पिरेटरी वाले में लगा देंगे। ये जो है उसको इस तरह से लगा देना है ना, टाइटली टाइटली ये लग चुका है। अभी ये वाला जो एंड है उसको हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट ये वाला जो है जो टेम्परेचर सेंसिंग के लिए रहता है उसको हम लगाएंगे इसमें। इसमें आप देख सकते हो एक वाइट कलर की ट्यूबिंग जो हमने गाइड वायर से डाली हुई है और ये पूरी ट्यूबिंग्स में है, पेशेंट साइड तक जाएगी, ये हीट सेंस करने में हेल्प करती है। सो ये जो ट्यूबिंग है उसका एक एंड जो है वो हम ऑलरेडी इसके साथ में कनेक्ट कर चुके हैं। एक केबल ये है और दूसरी वाली जो है वो ये वाली, एक ब्लू कलर का है और एक जो है वो नियॉन कलर का है। ये दोनों हीट सेंसिंग के लिए रहता है, एक ह्यूमिडिफायर के लिए रहता है और एक ट्यूबिंग हीट नहीं हो उसके लिए रहता है। तो ये जैसे ही हीट होगा ट्यूबिंग जैसे अलार्म मिल जाएगा। तो मैं कैसे कनेक्ट करना है आपको बता देता हूँ। तो ये जो है वो ह्यूमिडिफायर का चैम्बर है
उसमें ये नियॉन कलर का पोर्ट दिया हुआ है, उसमें नियॉन और ब्लू कलर का दिया हुआ है, उसमें ब्लू ट्यूबिंग लग जाएगी। इसके बाद ये जो नियॉन कलर की ट्यूबिंग है वो ये एक्सेल वाले के उधर कनेक्ट करना है, और ब्लू वाली है वो उसका एक है वो ह्यूमिडिफायर के उधर आएगा। उसको हम ये निशान जो दिया हुआ है वो निशान इसमें फिक्स कर देंगे, और एक जो पार्ट है वो पेशेंट एंड के साइड आएगा। इधर जो दिया हुआ है पेशेंट एंड इधर लगा देंगे। नेक्स्ट चीज हम फ्लो सेंसर को कनेक्ट करेंगे, तो इसको इसके पीछे से लेंगे, और उसके लिए जो फ्लो सेंसर का एंड पार्ट है वो हम लगाएंगे। तो एक ट्रांसपेरेंट है उसको जो सिल्वर पोर्ट दिख रहा है जो उसमें लगाएंगे, ये जो है ब्लू कलर का उसको ब्लू में लगाएंगे, और ये ऊपर जो है वो नेबुलाइजेशन के लिए है, तो अभी हमको कुछ नहीं करना उसके साथ। सो ये फ्लो सेंसर कनेक्ट हो गया, हमने ये फोर फ्लो सेंसर लगा दिया, ये इनलेट लगा दिया, ये टेम्परेचर के लिए हमने लगा दिया। अब ये सेकेंड वाला जो पोर्ट है उसको हम इधर पीछे से लाए और उसको ये जहाँ एक्सेल कर रहा है पेशेंट वहां पे लगा देंगे। आपको इजीली लगा सकते हो, इधर मार्किंग दी हुई है ना। तो ये पूरा हमने जो है वो सेट कर दिया है। अभी हमको चाहिए ये इसको स्टार्ट कैसे करना है और सेटिंग कैसे करना है। अभी हमारे पास पेशेंट नहीं है, पेशेंट जो है वो आने वाला है, तो हम पहले उसको टेस्ट लंग जो है उससे हम टेस्ट करके फिर देख लेंगे। सो लेट्स बी स्टार्ट वेंटिलेटर। सो ये स्टार्ट हो रहा है। सबसे एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ, इधर जो कैलिब्रेशन करते टाइम हमको लगेगा, जब फ्लो सेंसर का कैलिब्रेशन होगा तो ये कनेक्टर हमको लगेगा। स्टार्ट हो रहा है वेंटिलेटर। यहाँ पे मैनुअल्स वगैरह सब दिए गए हैं, जो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हो। सो सबसे पहले इधर तीन आएंगे, एक तो आप लास्ट पेशेंट जो आपका था उसी को वापस स्टार्ट कर सकते हो, एक अडल्ट पेशेंट वर्सेस पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए रहेगा, और एक नियोनेटल्स के लिए रहेगा जो कि 28 डेज से लेस देन 28 डेज होगा। तो हमारा जो बेबी आने वाला है वो लेस देन 28 डेज है, तो हम नियोनेटल वाला जो है वो सिलेक्ट करेंगे, नियोनेटल 1 रखेंगे, और उसके बच्चे का जो वेट है वो 3 किलो है तो हम 3 किलो सेट कर देंगे। सो ये 3 किलो सेट हो गया। इसके बाद में हमको ओके का प्रेस करके एंटर कर देना है। सो इसके बाद में स्टार्ट वेंटिलेशन करेंगे तो वेंटी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। हमने देख लिया वेंटी स्टार्ट कैसे होता है, कर रहे हैं ना। अब हम देखेंगे कि उसको कैलिब्रेट कैसे करना है। हमको सिस्टम में जाना है, टेस्ट एंड कैलिब्रेशन में जाना है, और ये जो फर्स्ट हमको फ्लो ओटू सेल जो है वो ऑलरेडी हो जाता है जब ओटू सोर्स लगा होता है। अभी हमको फ्लो सेंसर चेक करना है, तो फ्लो सेंसर पे हम क्लिक करेंगे। कैलिब्रेट करते टाइम हम ये फ्लो सेंसर जो है उसके वाइड एंड जो है वो बाहर की तरफ रखेंगे। ये वाइड ट्यूबिंग्स बाहर की तरफ रखेंगे और ब्लू ट्यूबिंग से वो वेंटिलेटर की साइड रखेंगे। जब इधर फ्लो सेंसर को उल्टा करने बोलेगा तब हम इसको टर्न करके वाइट वाली ट्यूबिंग जो है वो वेंटी की साइड हो जाएगी। सो टर्न बोला, सो हम उसको टर्न करके ऐसे लगा देंगे। सो ये इधर बता रहा है मैन्यूवर इन प्रोग्रेस। Thank you.
कनेक्ट पेशेंट बोल रहा है तो हम अगर पेशेंट से कनेक्ट करेंगे तो ये कैलिब्रेशन इसका हो गया है ना। सो फ्लो सेंसर का कैलिब्रेशन हो चुका है। अब हम टाइटनेस के लिए देखेंगे, तो टाइटनेस के लिए हम क्लिक करेंगे, जैसे जैसे बताता है वैसे करते जाना है। ये टाइटन द पेशेंट सिस्टम, तो हम उसको टेस्ट लंग से कनेक्ट कर देंगे या फिर उसको टाइट कर देंगे। इधर फिर डिस्कनेक्ट करने को बोलेगा तो हम उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट टू पेशेंट, हम पेशेंट से कनेक्ट कर देंगे और ये ऐसे हो जाएगा कैलिब्रेशन। फिर हम पेशेंट के लिए वेंटी रेडी करके रख देंगे, इसको स्टैंड बाई रख देंगे। सो हमने अभी स्टार्ट कर दिया है, जब तक पेशेंट नहीं आता उसको स्टैंड बाई रखेंगे, तो कैसे रखेंगे वो मैं बताऊंगा। और ये सारे बटन्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ये अलार्म के लिए हैं। जब भी अलार्म आता है, और अलार्म बहुत सारे लाइट्स लगेगी, इधर रेड लाइट आएगी, येलो लाइट आएगी और फिर ग्रीन लाइट आएगी, तो आपको उसके सीक्वेंस में अटेंड करना है। जैसे रेड लाइट आई तो अर्जेंटली, जैसे ये मिनट वॉल्यूम कम है तो वो रेड लाइट आएगी, दूसरा कुछ है तो वो येलो लाइट आएगी और ग्रीन लाइट आएगी। ऐसे अलार्म जो है वो सीक्वेंस में अटेंड करना है। अगर रेड है तो उसको तुरंत ही अटेंड करना है। तो ये अगर अलार्म बार बार किसी चीज का आ रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, उसको आप साइलेंट कर सकते हो ये वाले बटन से, तो अलार्म साइलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला O2 का बटन है, जो जैसे ये 50% O2 जा रहा है, आप इसको O2 वाला प्रेस कर दोगे तो जब सक्शन करने की रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसको बच्चे को हाइपर वेंटिलेट करना पड़ेगा, तो आप O2 वाला बटन प्रेस कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो वो 2 मिनट तक हाइपर वेंटिलेट करेगा। इसके बाद में आप सक्शन जो है वो कर सकते हो। ये लॉक करने के लिए, मॉनिटर को लॉक करने के लिए बटन दिया हुआ है। ये उसके पास वाला जो है वो नेबुलाइजेशन के लिए है। यहाँ नीचे एक नेब का पोर्ट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो क्लियरली जो गोल्डन कलर में है। और इसके बाद में उधर नेब मशीन का जो ट्यूबिंग्स रहता है वो कनेक्ट करके ये बटन प्रेस कर देंगे, तो फिर वो ऑटोमेटिकली इधर स्टार्ट हो जाएगा, ये टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इसके बाद में ये स्टैंड बाई का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो आप स्टैंड बाई रख सकते हो वेंटी को। सो आज का इतना ही था, थैंक यू सो मच। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मेरे को लग रहा है कि आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो, और ये ट्यूटोरियल भी अच्छा लगा होगा। सो प्लीज आप लोग सजेस्ट करिए कि और इसमें क्या क्या अपग्रेड करने की जरूरत है, जैसे वीडियो बना रहे हैं वैसे ही चाहिए, या फिर कुछ चीज़ें अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप जो है वो कमेंट करिएगा, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या चीज़ अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को शेयर करना, सो सब्सक्राइबर बढ़ सके और व्यू काउंट भी बढ़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल।